जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी ने दरअसल पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब राजीव रंजन प्रसाद को नया प्रवक्ता बनाया गया है। तो आखिर क्यों नीतीश के अर्जुन ने इस पद से इस्तीफा दिया? इस वक्त सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के इतने करीबी केसी त्यागी को ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, वो भी अपने पद से। कहा जा रहा है केसी त्यागी को उनके इसराइल फिलिस्तीन को लेकर दिए गए बयान की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए इसी को टटोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल केसी त्यागी के इस बयान से पार्टी खुश नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि अभी तक केसी त्यागी ने अपने इस्तीफे को लेकर कुछ साफ नहीं कहा है। आपको बता दें, केसी त्यागी को सीएम नीतीश कुमार का बहुत करीबी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार ने अपने अर्जुन कहे जाने वाले केसी त्यागी पर भरोसा जताया और वो उनके भरोसे पर खरे भी उतरे। ऐसे में त्यागी का पार्टी के इतने बड़े पद से इस्तीफा देना एक बड़ा झटका है। केसी त्यागी को जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता है। उनका तजुर्बा हमेशा पार्टी के लिए काम आया। पार्टी को जब भी उनकी जरूरत पड़ी, पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्होंने पार्टी का साथ दिया। यही वजह है कि चाहे बात बिहार की राजनीति की हो या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की, जेडीयू के लिए केसी त्यागी बहुत खास है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले जब विपक्ष बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को तैयार करने में जुटा था, तो उस दौरान सभी को एकजुट करने में केसी त्यागी ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। राजनीति के कैनवास को अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ नेताओं का नाम लिखा होगा जो अपने अनुभव से तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की काबिलियत रखते हैं, और उन्हीं नेताओं में से एक हैं केसी त्यागी। वो मौजूदा राजनीतिक दौर में उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बहुत ज्यादा स्वीकारे जाते हैं। यानी अगर वो चाह लें तो राजनीति में कोई भी लक्ष्य आसानी से साध सकते हैं। केसी त्यागी पार्टी के लिए कितने अहम थे, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पार्टी को जब भी लगा कि वो संकट में है तो उसने हमेशा त्यागी को याद किया। पिछले साल ही जेडीयू ने केसी त्यागी पर भरोसा जताते हुए पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया था। कहा जा रहा था पार्टी ने यह फैसला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया है। जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद से ही केसी त्यागी के इस कदम को तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक केसी त्यागी विदेश नीति के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर में सुर मिलाते देखे गए। उन्होंने केंद्र सरकार से भी इसराइल को हथियारों को रोकने की सप्लाई को रोकने का आग्रह किया था, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि भारत गाजा में शांति और युद्ध विराम का समर्थन करता है। वहीं दूसरी तरफ लैटरल एंट्री के मुद्दे पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी केसी त्यागी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और पार्टी के साथ चर्चा किए बगैर पार्टी लाइन से थोड़ा अलग बयान जारी किया था। ऐसा भी माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर हर मुद्दे पर टिप्पणी करना भी केसी त्यागी को भारी पड़ गया, क्योंकि वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते थे। पटना में बैठी जेडीयू की लीडरशिप इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनके बयानों से दरअसल ऐसा लग रहा था कि जेडीयू और एनडीए की राय अलग हो गई है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने एनडीए में मतभेदों की खबरों को दबाने के लिए अपने सहयोगी दलों से समन्वय बनाए रखने को कहा था। इसी को लेकर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और संजय झा ने उनसे मुलाकात की और उनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ने के लिए कह दिया। हालांकि पार्टी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें कहा गया कि उन्होंने निजी वजह से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। केसी त्यागी जेडीयू के विशेष सलाहकार भी हैं, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसको लेकर अभी भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ। राजनीतिक जानकारों की माने तो केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए थे। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं से चर्चा तक नहीं की। विदेश नीति, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में लैटरल एंट्री, एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने अपने निजी विचार रखे थे, जिसको उन्होंने पार्टी के साथ शेयर नहीं किया था, जिनसे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा था। तो कौन है केसी त्यागी जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले केसी त्यागी ने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की और जनता दल के साथ नीतीश कुमार के साथ जुड़े। 1989 की बात है जब जनता दल के टिकट पर हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए। इसके बाद राज्यसभा में भी रहे। केसी त्यागी पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से आते हैं, त्यागी ब्राह्मण समाज से हैं। बीते साल मार्च में जेडीयू की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी थी, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि केसी त्यागी को जगह नहीं मिली।
लेकिन उसके बाद भी केसी त्यागी नीतीश कुमार से जुड़े रहे। इसका नतीजा निकला कि उन्हें 3 महीने के भीतर जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता और विशेष सलाहकार का पद दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।